दोस्तों आप सबको बता दें कि ये जो ड्रामा सीरियल जख्म है ये कि सुपर हिट है और इमोशनल ड्रामा है पाकिस्तान का। ये न कि सिर्फ इमोशनल है बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस ड्रामा है शेर खान का ड्रामा सीरियल जख्म। तो आप लोग को आई रिकमेंड करूंगा कि इस ड्रामे को आप लोग वॉच कर लें। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अमेजिंग इमोशनल है। चौराहा इस ड्रामे को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। अब्दुल्ला काडवानी सर एंड अरशद कुरैशी की प्रोडक्शन में आने वाला ड्रामा सीरियल जो कि चौराहा इसका नाम है। तो इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये ड्रामा कितना इमोशनल ड्रामा है। तो आपको दीवानगी, जी हाँ, दानिश तैमूर सर और हिबा बुखारी का ड्रामा सीरियल दीवानगी ये न कि सिर्फ सोपो हिट रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, डायरेक्टर जीशान अहमद और ये ड्रामा अच्छा है। आप लोग को आई रिकमेंड करूँगा इस ड्रामे को वॉच करें, इमोशनली ड्रामा है। तो आप लोग इस ड्रामे को वॉच कर लें अभी। खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये ड्रामा किस टाइप का होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स सैयद अली रज़ा उस्मान की प्रोडक्शन में आने वाला ड्रामा खुदा और मोहब्बत इमोशनल है। रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी जो कि सैयद जिब्रान इकरा अजीज और इमरान अशरफ सर का ही ड्रामा है। जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक पहेली ड्रामा जो कि आपको बता दें कि लाइबा खान का ही ड्रामा है। और आपको बता दें कि इस ड्रामे को आप लोग एक बार फुल्ली वॉच कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सुपर हिट ड्रामा है। और आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। दरार, सैयद जिब्रान का ड्रामा सीरियल दरार, इसको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इस ड्रामे को जानता है। दरार ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हॉट टचिंग ड्रामा है। तो आपको आई रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस ड्रामे को आप लोग वॉच कर लें। ये न कि सिर्फ सोपो है ड्रामा बल्कि इमोशनली ड्रामा है दरार। गुड्डू, फातिमा इफंदी का ड्रामा सीरियल गुड्डू, इरफान हसन जो कि डायरेक्टर इरफान असलम के पर जो है इन्होंने, राइटर रुखसाना निगर के जो है इन्होंने ड्रामा किया था।